वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक हो गए। जिस चीज़ को भी एडबल पुल के कॉइन कॉइन अकाउंट पुल पॉज वगैरह भी कुछ भी बाय कराना है, काफ़ी चीप प्राइस में मिल सकता है। ठीक है गाइस, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है गाइस, पेमेंट प्रूफ आप चेकआउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई फ्रॉड व्रॉड नहीं होगा। ठीक है ठीक है। हाँ तो भाई, मेरे बहुत सारे मतलब सब्सक्राइबर और जो मेरे भाई कस्टमर, इनका काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि भाई हमने आपसे चीटो हैक लिया, हमारा बिनिंग रीसेट हो रहा है, कॉइन रीसेट हो रहा है। तो भाई कॉइन बिनिंग सब मेरा भी रीसेट हुआ है, आपका भी हुआ है। ये कैसे हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है हाँ, देखो जो भी एम किंग वाले होते हैं, ठीक है, ये भी ऐसा नहीं है कि मतलब इनका हैक है, इसमें भी मिनी क्लिप वाले बंदे भी, मैं आपको सच बता देता हूँ, मिनी क्लिप वाले भी बंदे कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ करते हैं, जो आईडी बैंड नहीं होता एम किंग से। ठीक है, आईडी का बिनिंग रीसेट हो जाता है, आप किसी और टूल से खेलोगे आपका आईडी बैंड हो सकता है, मगर एम किंग से आपका आईडी बैंड बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बिनिंग रिसेट हो जाएगा, कॉइन रिसेट हो जाएगा, कॉइन मेरा भी रिसेट हुआ है, आप सब लोगों का भी हुआ है, मेरे को पता है, सबको आप प्रॉब्लम में हूँ सब। हाँ भाई, बहुत सारे बंदों ने 5-5, 6-6 बिलियन का रिसेट हुआ है। तो मैं बता दूंगा इसकी क्यों रिसेट हुआ है ये। ठीक है, इनका एक डिटेक्टेड मोड आता है। ठीक है, वो जब वो ऑन होता है तो जितने आईडी हैक में प्ले होती हैं उनकी कॉइन वगैरह सब बिनिंग रिसेट हो जाती है। हाँ तो भाई, बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि भाई अब हमारा अब बिनिंग रिसेट हो चुका है, वो बिनिंग कैसे काउंट होगा, हमें क्या करना रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर तरीके से कैसे आपका मतलब बिनिंग काउंट होगा और आपका कॉइन भी आप बढ़ा सकते हो, कैसे कॉइन रिसेट नहीं होगा। ठीक है, सब में पहली बात ये है, ठीक है, जब आप एम किंग ले रहे हो तो उसमें एक स्नूकर शॉट करके आता है, इसको इनेबल कर लिया करो ताकि उससे तुम्हारा बिनिंग रिसेट ना हो और कॉइन भी रिसेट ना हो। ठीक है, और दूसरी बात यह है, बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं भाई हमारे पास तो एक ही अकाउंट था, हम कोई और अकाउंट से खेलते नहीं, अब हमें अपना मेन अकाउंट का बिनिंग कैसे बढ़ाना होगा। ठीक है, तो मैं आपको एकदम प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि गाइस आप बिनिंग कैसे बढ़ा सकते हो अपने मेन अकाउंट में। ठीक है, अब जो मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें तुम देखना, जो मैं आपको बताऊँगा सेम टू सेम वैसे ही आपको कॉपी करना है। ठीक है, अपने एडबॉल पूल में आ चुके हैं। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरा जो अकाउंट खुलने वाला है ना, इसमें मैंने बन भी कराया था, तो अब इसमें देखो 2 लाख कॉइन ही बचा है और मेरा पूरा बिनिंग का भी भाई इन्होंने एकदम बुरा हाल कर दिया। चेकआउट करो, पूरा जीरो बिनिंग कर दिया है गाइस, 3 पॉइंट कुछ बिलियन में कर दिया था, सब बिनिंग कॉइन सब रिसेट कर दिया इन लोगों ने। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा आपका बिनिंग स्टार्ट कैसे होगा। ठीक है, देखो आपको पहले क्या करना है, 1 हफ्ते के लिए आईडी ऑफ कर देनी है। ठीक है, 1 हफ्ते के लिए आईडी ऑफ करना है, उसके बाद नेक्स्ट मंडे को ओपन करना आईडी, मैच लगाना है, देखना बिनिंग जुड़ रहा है या नहीं। बिनिंग जुड़ रहा है तो सही है, मतलब कि 1 हफ्ते में तुम्हारा बिनिंग ठीक हो चुका है। 1 हफ्ते में भी नहीं हो रहा है तो फिर इसका सीधे वन मंथ लगता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो मान लो आपका डायमंड लीग है, ठीक है, डायमंड लीग पे आपका बिनिंग रिसेट हुआ है, तो समझो मतलब 4 वीक, हर एक वीक पे मतलब हमारा जब हम जैसे हम कुछ ही लोड उस पे होते, जैसे मान लो हम अभी किस पे थे, डायमंड पे थे, तो डायमंड के नीचे हम कुछ भी मतलब किसी भी टीयर पे आते हैं लीग वीक के। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे तुम 1 वीक प्ले नहीं करोगे तो तुम्हारा रूबी लीग आ जाएगा, रूबी लीग के बाद काफ़ी जो लीग नीचे होता रहता है। ठीक है, आपको मतलब 4 वीक तक अपना आईडी ऑफ करना है, 4 वीक से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, कम से कम 1 वीक लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ लगता है। और भाई बहुत सारे बंदे आएंगे मेरे पास कि भाई हमने 1 मंथ के लिए आईडी ऑफ करा था फिर भी मेरा बिनिंग नहीं सही हुआ, तो भाई आपको आईडी ओपन नहीं करना, तुम सोचो कि खेलना नहीं है, आईडी ही ओपन नहीं करना, कोई नया आईडी अपना साइड में बना के उससे खेल लेना, मगर आपको उस आईडी से प्ले नहीं करना है, बिल्कुल भी खोलना नहीं है 1 महीने के लिए तक। ठीक है, 1 मंथ तक आपको अपना आईडी स्टॉप करना है, ऑटोमेटिकली जब आप अगले मंडे को, जैसे मंडे आएगा, आपको आईडी ऑफ ऑन करना है अपना। ठीक है, आईडी ऑन करने के बाद आपको प्ले करना है, इंशाल्लाह आपका बिनिंग स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। अब जब आप नेक्स्ट टाइम हैक से प्ले करोगे, जो भी बंदा फेयर या हैक से प्ले करता है, थोड़ा ठीक मतलब ठीक तरीके से प्ले करे, स्नूकर शॉट वगैरह एकदम प्रॉपर तरीके से करो। ठीक है, और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कुछ समझ में आया हो आपको तभी करना, कुछ नहीं आया आपको वीडियो में समझ में तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना ताकि मैं अपनी कंटेंट में और इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। ठीक है, अभी मेरा को इतना टाइम नहीं हुआ है चैनल पे, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जितना था मैंने आपको शेयर कर दिया। और आपको एडबल पूल की कुछ भी हैक कॉइन वगैरह कुछ भी लेना है काफ़ी चीप प्राइस में और यूट्यूबरों से काफ़ी सस्ता में मिलेगा, और 24 घंटे मैं ऑनलाइन रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक बंदा भी इसी व्हाट्सअप, जो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिख रहा है, इसी पर ही मैं ऑनलाइन रहता हूँ, कोई बिल्कुल फ्रॉड व्रॉड की कोई टेंशन नहीं है, टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप अपना सब अवेलेबल है। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब, टेक केयर इन योर लाइफ, बाय बाय, गुड बाय।